क्या होगा जब एक सिविलाइजेशन अपने सूरज की पूरी एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है, या एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने फिजिक्स के नए लॉस में महारत हासिल कर ली है। उनके पास एक्स्ट्रा डायमेंशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हुए स्पेस और टाइम के फैब्रिक को मैनिपुलेट करने की क्षमता होगी। उनके लिए टेलीपोर्टेशन और यहाँ तक कि टाइम के थ्रू ट्रैवल करना एक रूटीन एक्टिविटी होगा। क्या इस प्रकार की एडवांस सिविलाइजेशन हमारे यूनिवर्स में पहले से मौजूद हैं, या फिर हम मानव को इस लेवल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? किसी भी सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट को किस बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है, और उनकी प्रोग्रेस को समझने के लिए किन तरीकों का उपयोग किया जाता है? इस वीडियो में टाइप 1 से टाइप 8 सिविलाइजेशन की आकर्षक दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज का खुलासा करेंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंफोसियस चैनल में। 1964 में एक रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डाशेव ने किसी सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उनकी एनर्जी कंजम्पशन के बीच एक फंडामेंटल रिलेशनशिप को पहचाना। कार्डाशेव ने यह हाइपोथेसिस निकाला कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और डेवलपमेंट के कारण उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेगी। उन्होंने कार्डाशेव स्केल का प्रस्ताव रखा जो किसी सिविलाइजेशन की एनर्जी कंजम्पशन के आधार पर उसकी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को कैटेगराइज और मेजर करता है। उन्होंने 1964 में एक पब्लिकेशन में मानवता की एनर्जी नीड्स के एवोल्यूशन की कैलकुलेशन को प्रस्तुत किया, जिसमें ये बताया गया कि 3200 साल बाद हमारी एनर्जी कंजम्पशन सूरज से एमिट हो रही एनर्जी के बराबर होगी, जो लगभग 384 सेप्टिलियन वाट्स है, और 5800 साल बाद हमारी एनर्जी कंजम्पशन हमारे सूर्य जैसे 100 बिलियन स्टार्स, जो मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार्स की एस्टिमेटेड नंबर से मिलता जुलता है, उनके द्वारा एमिटेड एनर्जी के बराबर होगा। उनके इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर और ये मानकर कि मनुष्य की बढ़ती हुई ऊर्जा खपत को कभी भी कम नहीं किया जा सकता, कार्डाशेव ने टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन को तीन टाइप्स में क्लासिफाई करने का प्रस्ताव दिया। इनिशियली टाइप 1 से लेकर टाइप 3 सिविलाइजेशन तक, लेकिन समय के साथ इसे एक्सपैंड किया गया और इसमें टाइप 5 से टाइप 7 और फिर टाइप 8 सिविलाइजेशन को भी शामिल किया गया, जिससे हाईली एडवांस्ड प्राणियों को क्लासिफाई करने का एक व्यापक तरीका पेश किया गया। टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने होम प्लेनेट के सभी एनर्जी रिसोर्सेस को नियंत्रित कर सकती है और उसका इस्तेमाल कर सकती है। इसमें सोलार, विंड और जियोथर्मल पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस भी शामिल हैं। वे फिजन, फ्यूजन और रिन्यूएबल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके सभी प्लेनेटरी पावर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। वे इंटरप्लेनेटरी स्पेस फ्लाइट, कम्युनिकेशन, मेगा स्केल प्लेनेटरी इंजीनियरिंग और मेडिकल इंडस्ट्री में बीमारी को खत्म करने और बुढ़ापे को धीमा करने जैसी टेक्नोलॉजी में सक्षम हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन किसी एक ग्रह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने अपने सोलर सिस्टम के कई ग्रहों और चंद्रमाओं पर उपस्थिति स्थापित की है। उन्होंने एक यूनिफाइड गवर्नमेंट बनाई है जो इन ग्रहों तक फैली हुई है, जो इंटरप्लेनेटरी ट्रेड, रिसर्च और कोलैबोरेशन को सक्षम बनाती है। उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने उन्हें खुद को और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम बनाया है, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद वे विलुप्त होने के लिए वल्नरेबल हैं। जैसा कि अमेरिकन फिजिसिस्ट मिचियो काकू ने अपनी बुक फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर में बताया है, टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने ग्रह पर पड़ने वाली सभी सनलाइट का इस्तेमाल करके प्लेनेटरी पावर का उपयोग करती है। वे शायद वोल्केनोस की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मौसम में हेर फेर कर सकते हैं, भूकंपों को नियंत्रित कर सकते हैं और समुद्र पर शहर बना सकते हैं। समस्त ग्रह शक्ति उनके नियंत्रण में है। नेचुरल वर्ल्ड पर इस लेवल का कंट्रोल वास्तव में आश्चर्यजनक है और दिखाता है कि जब कोई सिविलाइजेशन एनर्जी और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेती है तो वह कितना दूर तक प्रोग्रेस कर सकती है। टाइप 1 की एनर्जी कंजम्पशन 10^16 वाट है। क्योंकि हम सितारों तक पहुंचने का सपना देखते हैं, इसलिए हम इंसान को अपनी करंट स्टेटस को पहचानना जरूरी है। जब हमने कैलकुलेट की कि हम कितनी एनर्जी यूज करते हैं, तब हमें पता चला कि फिलहाल हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। हम अभी केवल टाइप 0.73 लेवल पर ही हैं, जो पृथ्वी पर उपलब्ध सभी एनर्जी को हार्नेस करने से बहुत दूर हैं। मिचियो काकू का सुझाव है कि जिस तरह से साल दर साल ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है, हम अगले 100 से 200 साल में टाइप 1 तक पहुंच सकते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन के बारे में इन सारी बातों से ऐसा लगता है कि ये काफी एडवांस होंगी, लेकिन टाइप 2 सिविलाइजेशन जितना कैपेबल है उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है।
टाइप 2 सिविलाइजेशन टाइप 1 से 10 बिलियन गुना आगे बढ़ जाएगी और इस बार अपने स्टार द्वारा एमिटेड सारी पावर्स का इस्तेमाल करके 10^26 वाट की खपत तक पहुंच जाएगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन का अपने सोलर सिस्टम पर नियंत्रण होगा और वह अपने होस्ट स्टार के पूरा ऊर्जा उत्पादन का इस्तेमाल कर सकती है। ये सिविलाइजेशन एक संपूर्ण स्टार के चारों ओर डाइसन स्फीयर को कंस्ट्रक्ट करके उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करने में कैपेबल हैं। डाइसन स्फीयर फिजिसिस्ट फ्रीमन डाइसन द्वारा प्रस्तावित एक काल्पनिक मेगास्ट्रक्चर है जो मूल रूप से एक स्टार के चारों ओर उसकी एनर्जी को कैप्चर करने के लिए बनाया गया एक स्फेरिकल शेल है। फिर इस एनर्जी का इस्तेमाल सिविलाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को पावर देने के लिए किया जा सकता है। डाइसन स्फीयर के कंस्ट्रक्शन के लिए भारी मात्रा में रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। एज ए सिविलाइजेशन ये सब हमारी करंट कैपेबिलिटी से परे है। अगर कोई सिविलाइजेशन किसी स्टार के चारों ओर डाइसन स्फीयर बनाने में सक्षम होती तो उनके पास भारी मात्रा में एनर्जी का एक्सेस होती। इससे उन्हें टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को उस पैमाने पर बढ़ावा देने में मदद मिलेगी जो प्रेजेंटली हमारी इमेजिनेशन से परे है। टाइप 2 सिविलाइजेशन में एंटायर स्टार सिस्टम को कॉलोनाइज करने की क्षमता होगी। वे प्लैनेट्स और मून्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर और हैबिटेट्स का निर्माण करने में सक्षम होंगे और इन प्लैनेट्स को अपने स्पीशीज के लिए रहने योग्य बनाने के लिए टेराफॉर्म भी कर सकते हैं। उनके पास प्लैनेट्स और मून्स की ऑर्बिट्स को मैनिपुलेट करने की क्षमता भी होगी और पोटेंशियली वे अपने खुद के स्टार सिस्टम्स भी बना सकते हैं। इस एडवांसमेंट का लेवल हमारी करंट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज से कहीं ज्यादा है और इसे अचीव करने में पॉसिबली कई हजारों साल लग जाएंगे। कार्डाशेव के अनुसार इस प्रकार की सिविलाइजेशन इतनी एडवांस है कि ये ऑलमोस्ट गॉडलाइक है। एकमात्र सिविलाइजेशन जो इसे पार कर सकती है वो है टाइप 3 सिविलाइजेशन। फाइनली टाइप 3 के नाम से जानी जाने वाली सिविलाइजेशन अपनी गैलेक्सी द्वारा एमिटेड सभी एनर्जी को इकट्ठा करने और उपयोग करने में सक्षम होगी जो 10^37 वाट के बराबर है। कार्डाशेव स्केल के ओरिजिनल प्रपोजल में ये सिविलाइजेशन का फाइनल टाइप है। इसमें पूरे गैलेक्सी तक फैली स्ट्रक्चर्स या नेटवर्क्स का निर्माण शामिल हो सकता है। इमेजिन करें कि एक संपूर्ण गैलेक्सी जिसमें हर एक सोलर सिस्टम को कम्प्लीटली डिसमेंटल किया गया हो और हर एक स्टार एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग सोलर सेल्स के डाइसन क्लाउड में एनक्लोज्ड हो रखा हो। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल होगी? वे लाइट के स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर सकते हैं, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और कुछ प्रकार की प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रेवल कर सकते हैं जो हम अभी तक नहीं जानते हैं। वे कुछ घंटों या दिनों में ही गैलेक्सी की यात्रा करने में कैपेबल होंगे। 2015 में एक अध्ययन में एस्ट्रोनॉमर्स ने अनुमान लगाया है कि हमारे लोकल यूनिवर्स में ऐसी सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस एक्सट्रीमली रेयर है। लेकिन अगर उनका एग्जिस्टेंस है तो गैलेक्सीज उनके लिए साधारण घरों की तरह होगी और प्लैनेट्स उनके रास्ते के पत्थर के अलावा कुछ नहीं होंगे। उनके पास स्पेस और टाइम के फैब्रिक को मैनिपुलेट करने, स्टार की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने और यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली घटनाओं जैसे सुपरनोवा और ब्लैक होल से एनर्जी निकालने की क्षमता होगी। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यदि हम सिविलाइजेशन के इस लेवल पर पहुंच गए तो और क्या हो सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि यदि हम तब तक अपनी प्रजाति को बनाए रख सकें तो मनुष्य को इस लेवल तक पहुंचने में लगभग मिलियन ईयर्स लग सकते हैं। अभी हम स्पष्ट रूप से ऐसी कोई भी सिविलाइजेशन को नहीं देख सकते हैं और इसके दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हैं। या तो ऐसी कोई सिविलाइजेशन है ही नहीं जो इस लेवल तक पहुंची हो, या फिर ये भी संभव है कि एडवांस प्राणी इतनी तेजी से और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हुए हों कि वे अपने ट्रैक को कवर करने में सक्षम हैं और अज्ञात बने हुए हैं। इन सभी पॉसिबिलिटीज के साथ आप सोच सकते हैं कि टाइप 3 सबसे पावरफुल और एडवांस सिविलाइजेशन होनी चाहिए। यहाँ तक कि खुद कार्डाशेव का भी मानना था कि सिविलाइजेशन केवल 3 प्रकार की हो सकती है। लेकिन क्या कोई और सिविलाइजेशन उन सभी से भी ज्यादा एडवांस हो सकती है, एक प्रकार की चौथी सिविलाइजेशन? अपने ओरिजिनल स्केल में निकोलाई कार्डाशेव ने सिविलाइजेशन के केवल 3 लेवल्स को इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उनका मानना था कि पूरी गैलेक्सी की एनर्जी किसी भी लाइफ फॉर्म्स की जरूरतों को पूरा कर सकती है। लेकिन कुछ अन्य वैज्ञानिक बहुत आगे बढ़ गए और टाइप 3 से कहीं आगे की सिविलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज की कल्पना करते हुए स्केल को अपडेट किया। टाइप 4 सिविलाइजेशन का एंटायर यूनिवर्स पर महारत हासिल होगी। ये यूनिवर्सल स्केल पर एनर्जी को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हैं। वे सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के पावर को नियंत्रित कर सकते हैं और इवेंचुअली इसके यूनिवर्स ऑफ ओरिजिन की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इफेक्टिवली अमर बन सकते हैं। इतनी एडवांस सिविलाइजेशन मिस्टीरियस डार्क मैटर का पता लगा सकती है
और स्पेस टाइम में बेसिक फैब्रिक को मैनिपुलेट कर सकती है। उनकी क्षमताओं में इंस्टेंटेनियस मैटर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवल शामिल हो सकते हैं। वे अनगिनत डायसन स्फीयर को निर्माण कर सकते हैं जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन या बिग रिप को रिवर्ट करने के लिए डार्क एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डायमेंशंस को मैनिपुलेट करके वे जाइगेंटिक स्फीयर बना सकते हैं जहां डार्क एनर्जी पोलैरिटी को रिवर्ट कर सकती हैं ताकि कॉस्मिक एक्सपेंशन रिवर्ट हो। स्फीयर के बाहर यूनिवर्स तेजी से एक्सपेंड हो सकता है, लेकिन स्फीयर के अंदर गैलेक्सीज और स्टार सामान्य रूप से इवॉल्व होंगे। वे गैलेक्सीज को मैनिपुलेट और रीअरेंज कर सकते हैं लाइक कंस्ट्रक्शन सेट्स। न्यू प्लैनेटरी सिस्टम को बनाया जा सकता है या यहाँ तक कि यूनिवर्स से कुछ भी मिटाया जा सकता है जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। बेशक इस लेवल के कंट्रोल को अचीव करने के लिए ऐसी सिविलाइजेशन को फिजिक्स के न्यू लॉस की खोज करने की आवश्यकता होगी जो करंटली मानव समझ से परे है। टाइप 4 सिविलाइजेशन की कॉन्सेप्ट अत्यधिक काल्पनिक है और फिजिक्स और यूनिवर्स के नेचर के बारे में हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से परे है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है और सदियों से कई साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स द्वारा स्पेकुलेटेड है, लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसी सिविलाइजेशन हो जिसने ना केवल दूसरे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को डिस्कवर किया हो बल्कि उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करने का एक तरीका भी ढूंढ लिया हो। टाइप 5 सिविलाइजेशन इतनी एडवांस होगी कि वह अपने यूनिवर्स ऑफ ओरिजिन से एस्केप होकर मल्टीवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वे वहां इनफिनाइट यूनिवर्सेस की एनर्जी को कंट्रोल करने में कैपेबल होंगे। वे सभी हिडन डायमेंशंस को कंट्रोल करेंगे और एनर्जी को एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रांसफर करने में कैपेबल होंगे। टेलीपोर्टेशन और यहां तक कि टाइम के थ्रू ट्रैवल करना उनके लिए एक रूटीन एक्टिविटी होगा। ऐसी सिविलाइजेशन ने टेक्नोलॉजी में इस हद तक महारत हासिल कर ली होगी कि वे एक कस्टम यूनिवर्स को बना सकते हैं या सिमुलेट कर सकते हैं। उन्हें फिजिक्स के नए लॉस में महारत हासिल होगी और फैब्रिक ऑफ रियलिटी पर उनका ऑलमोस्ट पूरा कंट्रोल होगा। इस लेवल पर ह्यूमैनिटी को अपने ही निवासियों द्वारा नष्ट करना बेसिकली इम्पॉसिबल है, जो डेसिलियन तक पहुंच गया है। टाइप 6 सिविलाइजेशन एनर्जी को उस लेवल पर कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकती है जो स्पेस और टाइम की हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग से परे है, जिसमें पॉसिबली डिफरेंट डायमेंशंस पर महारत शामिल है। टाइप 6 सिविलाइजेशन मेगावर्स में मौजूद है और यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉस को बनाने और बनाए रखने में कैपेबल है। वे एक साथ मौजूद मल्टीवर्स की इन्फिनाइट अमाउंट में मौजूद हैं जो इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ इंस्टेंसेस और फिजिक्स के सभी नियमों को रिप्रेजेंट करते हैं। वे स्पेस और टाइम के बाहर मौजूद होंगे, यूनिवर्सेस और मल्टीवर्सेस बनाने में सक्षम होंगे और उन्हें तुरंत नष्ट करने में भी सक्षम होंगे। उन्हें पैरावर्सल भी माना जा सकता है क्योंकि वे पास्ट और फ्यूचर के इन्फिनाइट इंस्टेंसेस के साथ 11D स्पेस टाइम कंटिन्यूम के इन्फिनाइट पैरेलल्स में मौजूद हैं। यदि हम विकास के इस लेवल पर पहुंच गए तो ह्यूमैनिटी किसी भी चीज को और हर चीज को कंट्रोल करने में कैपेबल होगी। इस लेवल पर हम प्रैक्टिकली देवता होंगे। जैसे जैसे मनुष्य मेगावर्स के लिटरल गॉड्स बन जाते हैं, उन्हें तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि टाइप 7 या उससे आगे की सिविलाइजेशन मानवता के साथ युद्ध में निकल पड़ता है। टाइप 7 सिविलाइजेशन का पारंपरिक समझ की सीमाओं को पार करते हुए अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस पर ही कंट्रोल होगा। टाइप 7 सिविलाइजेशन ओमनिवर्स में ट्रैवल और ट्रांजेंट करेगी जो कि प्रत्येक सिंगल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मेगावर्स, पैरावर्स, 11D डायमेंशन और फर्स्ट रेल्म यानी रियलिटी का कलेक्शन है। ये संभावना है कि ऐसी शक्ति सिविलाइजेशन के बजाय किसी इंडिविजुअल से आएगी क्योंकि सिविलाइजेशन ट्रांजेंट और मर्ज होकर एक ही सिंगल माइंड में विलीन हो गई होगी जो सभी विचारों और सभी समय रेखाओं को शामिल करेगी। इस प्रकार ओमनिवर्स के 11 डायमेंशन की सीमा के भीतर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ होगी। ऐसा प्राणी में ईश्वर जैसा गुण होगा, लेकिन उसे निर्माता या सृष्टिकर्ता यानी क्रिएटर के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए जो रियलिटी के दायरे से परे परम सर्वोच्च प्राणी है। 8वीं प्रकार की सिविलाइजेशन किसी भी समझ से परे क्षमताओं और ज्ञान के साथ मौजूद होगी जो करंट ह्यूमन इमेजिनेशन के दायरे से परे है। 8वीं प्रकार की सिविलाइजेशन अपनी ओमनिवर्स से बाहर निकलने में सक्षम होगी और 11D से परे अन्य डायमेंशंस की यात्रा करेगी जिनमें से प्रत्येक की ओमनिवर्स ऑफ ओरिजिन के साथ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस होगी। ये हाइपरवर्स है
वे इवेंचुअली मल्टी डायमेंशन और मेगा डायमेंशन तक पहुंच जाएंगे। रियलिटी के दायरे से बाहर ये पहला एक्सपीरियंस होगा। सो दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।